रामपुर में साइकिल रफ्तार भरेगी या फिर यहां पर कमल खिलेगा लेकिन दोनों ही दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है कि यहां जैसे भी हो रामपुर के रण को जीत लिया जाए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हमारे साथ हैं संदीप सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा कि रामपुर का रण बेहद अहम है और तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि यहां पर अब तक चूंकि तीन बार बीजेपी अब तक जीत चुकी है चौथी बार भी कमल खिला जाए आपको जिम्मेदारी दी गई है आप भी जगह जगह जा रहे हैं कितना जनता का मूड बदल पाए हैं देखिये सब लोग जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं देखने को एक अच्छा माहौल मिल रहा है सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और हम लोगों का प्रयास है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले पाँच वर्ष के कार्यकाल में अपने उत्तर प्रदेश में और लगभग आठ वर्ष का कार्यकाल अब केंद्र सरकार का भी पूर्ण हो चला है तो हम सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का विश्वास हम भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको विश्वास दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब आठ वर्ष हमारे पीछे कार्यकाल में जब भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से रहा हम सब लोगों ने समाज में हर एक वर्ग के व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है लाभ पहुंचाने का कार्य किया है बिना किसी भेदभाव के बिना किसी भ्रष्टाचार के आज हर एक वर्ग का व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है तो हम भी हमारा प्रयास है कि सब लोग रामपुर में अब उपचुनाव है और केवल अब दो दिन ही शेष बचे हैं तेईस तारीख को मतदान होना है तो हमारा प्रयास है कि सुशासन के साथ और प्रशासन पूरी तरह से कार्य कर रहा है और सुशासन को हम लोगों ने कायम किया है तो उत्तर प्रदेश में हम रामपुर में भी अब एक बार पुनः प्रयास है कि अपनी इस सीट को हम भारी बहुमत से जीत करके आएंगे आजम खान साहब है आप देख रहे हैं कि जगह जगह जा रहे हैं उनके प्रत्याशी आसिम राजा साहब भावुक अपील कर रहे हैं लोगों से तो आपको लग रहा है कि उनकी भावुक अपील और यहाँ तमाम बीजेपी के नेताओं की फौज देखिए चुनाव में ख्याल से हम जो व्यक्ति विकास से जोड़ेगा जो व्यक्ति समाज को एक साथ लेकर के चलेगा चुनाव में नेता उसको चुना जाता है भावुक केवल होने के कारण अगर हम अपने नेता का चुनाव करेंगे तो मुझे लगता है कि वह चुनाव उस व्यक्ति का चुनाव नहीं होगा जो उनके साथ उनके ज़रूरत के समय में उनके साथ खड़ा रहे हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो किसी भी समय हमारे साथ खड़ा हो हमारी जरूरतों के लिए हमारी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए खड़ा और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा इसके अलावा और कोई लोगों के पास रास्ता नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करने का ढंग है और पूरा संगठन इस तरह से कार्य करता है कि आम जन गरीब के हित के लिए कार्य किया जाता है जीत को लेकर आश्वस्त है बिल्कुल पूर्ण आश्वस्त है और हमें विश्वास है कि 26 तारीख को रिजल्ट आएगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा अच्छा आजमगढ़ और रामपुर की बात कर लें दोनों जगह के चुनाव दिलचस्प है पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं दिल्ली कौन जा रहा है दोनों जगह की, देखिए दोनों जगह से हमारा प्रयास है कि दोनों जगह से दिल्ली पहुंचे और पूर्ण विश्वास है कि पार्टी दोनों तरह से दोनों जगहों पे पूरी मजबूती के संग चुनाव लड़ रही है और पूरा संगठन मिलकर के चुनाव लड़ा रहा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आजमगढ़ में भी और रामपुर में भी दोनों जगह से हमारी सीटें जीतेंगे और दोनों हमारे सांसद बन दिल्ली पहुंचेंगे बहुत बहुत शुक्रिया तो देखिए मंत्री संदीप सिंह जी हमारे साथ हैं सीधा कह रहे हैं कि चाहे आजमगढ़ की बात हो चाहे रामपुर की बात हो दोनों जगह उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी और उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता को सरकार के काम पसंद आ रहे हैं और जनता किसी और को चुनेगी ही नहीं वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सर एबीपी गंगा रामपुर एबीपी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी